हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ मकई के आटे की टिक्कियों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही हेल्दी टिक्कियाँ हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं मकई के आटे से टिक्कियाँ बनाना। मकई के आटे का बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले लिया है मैंने एक बोल, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप के करीब मकई का आटा। साथ में डाल रही हूँ मैश किए हुए बॉयल आलू, 1 कप के करीब हैं ये भी। दोनों की क्वांटिटी को मैंने यहाँ पर बराबर ही रखा है। और उसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ और हरी मिर्च बारीक कटी हुई। तो सभी चीजें इसमें डाल देंगे और साथ में डालेंगे यहाँ पर 1/4 चम्मच के करीब हल्दी का पाउडर। तो यहाँ पर मैं 1/4 चम्मच के करीब हल्दी का पाउडर डाल रही हूँ। हल्दी के पाउडर डालने के बाद इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो यहाँ पर मैं स्वाद के अनुसार नमक डाल लेती हूँ और साथ में यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सेजवान सॉस, जिससे कि बहुत ही बढ़िया चटपटा सा टेस्ट आएगा। तो स्वाद के अनुसार इसे भी डालना है। यहाँ पर मैं 1 चम्मच के करीब डाल रही हूँ। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें ना डालेंगे। अगर आपको ये रेसिपी बनानी है सेजवान सॉस की, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वहाँ से देख के आप इसे बना सकते हैं। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। तो अभी हम पानी का यूज नहीं करेंगे, ऐसे ही मिलाएंगे। और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे ही मैं पानी का यूज कर रही हूं, बहुत ही थोड़ा पानी डालकर मिला लेंगे। बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, बिल्कुल आटे की तरह हमें इसे तैयार करना है। तो मैं इसे अब हाथों से मिला लेती हूँ। और यहाँ पर हमारा ये मकई का आटा बनके तैयार हो गया है। तो बिल्कुल इस फॉर्म में हमें इसे तैयार करना है, गीला बिल्कुल नहीं करना है। अगर गीला हो जाता है तो इसमें फिर से दोबारा से सारी चीज़ें मिलानी पड़ेगी और फिर ये मिक्सचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इस मिक्सचर को रख देते हैं 10 मिनट के लिए ढककर, ताकि बहुत अच्छे से ये सेट हो जाए। तो मैं इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख देती हूँ। और यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं और ये मकई का आटा हमारा अब बहुत अच्छे से तैयार हो गया है, फूल गया है। तो हाथों पर हम तेल लगा लेंगे और मिक्सचर का थोड़ा सा पोर्शन लेंगे ऐसे, और इसकी एक टिक्की बना लेंगे इस तरीके से। तो ये मैंने इसकी टिक्की बना ली है ऐसे, ज़्यादा पतली मोटी नहीं रखेंगे, इतनी पतली रखेंगे कि सिक जाए ये। तो ये ऐसे तैयार कर लेनी है सभी टिक्कियाँ। और यहाँ पर मैंने मकई के आटे की कुछ टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं और अब चलते हैं इन्हें शैलो फ्राई करने के प्रोसेस में। शैलो फ्राई करने के लिए गैस पर मैंने एक पैन चढ़ाया है और इसमें मैंने डाला है 3 टेबलस्पून के करीब तेल, और गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है। और एक एक करके टिक्कियाँ हम इसमें डाल देंगे। एक बार में जितनी फ्राई हो जाए उतना ही डालेंगे और इनको एक तरफ से बहुत अच्छा क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे, फिर पलटकर फ्राई करेंगे। और यहाँ पर हमारी टिक्कियाँ एक तरफ से बहुत अच्छी क्रिस्प फ्राई हो गई हैं, तो इन्हें पलटकर फ्राई करेंगे। और दोनों तरफ से बिल्कुल ऐसा ही कलर आने तक फ्राई करना है। और यहाँ पर हमारी टिक्कियाँ दोनों तरफ से बहुत ही अच्छी क्रिस्प फ्राई हो गई हैं, तो बची हुई सारी टिक्कियाँ भी इसी तरीके से तैयार कर लेनी है। ये देखिए मैंने निकाल लेती हूँ। लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मकई के आटे की कुछ टिक्कियाँ फ्राई कर ली हैं और इसे केचप के साथ या फिर चटनी के साथ सर्व कीजिए, सभी को बहुत ही पसंद आएंगे। बहुत ही हेल्दी टिक्कियाँ हैं ये, तो ज़रूर ट्राई कीजिए और अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए।
मेरे साथ कमेंट करके शेयर कीजिए रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नए एपिसोड में। धन्यवाद।